गुड इवनिंग ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड वो दैट इज अ बिग ट्रेडर्स वर्सेस अ रिटेल ट्रेडर और स्मॉल ट्रेडर। एवरी डे वी ट्रेड इन टू द मार्केट और जो हम फील करते हैं वी ट्रेड विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी कि एवरी डे वी आर ट्रेडिंग इन टू ऑप्शंस बट वी डोंट हैव आर्म्स टू फाइट विद द बिगर हैंड्स। तो हमें ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ द बिगर हैंड्स आर प्लेइंग, किस तरीके से वो प्ले कर रहे हैं, उनकी क्या पोजिशंस है, उनका व्यू क्या है, एंड देन वी कैन फाइट विद द बिगर हैंड्स। तो आइए हम चलते हैं इस टॉपिक में और समझते हैं कि क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। सो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आप इसमें फंसना नहीं। बाय शिकारी वी मीन अ स्ट्रॉन्गर हैंड्स, बिगर हैंड्स, कैन बी इंस्टीट्यूशन, कैन बी एफआईज, और वैसे प्लेयर्स जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कैपिटल है। और बाय स्मॉल हैंड्स वी मीन द मोस्ट ऑफ द रिटेल प्लेयर्स। द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज पॉइंट नंबर वन, हम ये डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। एक्सचेंज की तरफ से हमें डेटा मिलता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। देर आर फोर पार्टिसिपेंट्स इनटू द ऑप्शन मार्केट, इनटू द फ्यूचर मार्केट, इनटू द कैश मार्केट। इन पार्टिसिपेंट्स की क्या पोजिशनिंग है, हम ये देखेंगे कि नवंबर सीरीज की उनकी क्या पोजिशन अभी बनी हुई है, कौन से पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग हैं, कौन से पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट हैं, क्या उनका रेशियोज है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर सेकेंड हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है उसको हम कैसे समझे और कैसे उसको उसका इंटरप्रिटेशन करें। लाइक टुडे निफ्टी वाज स्लाइटली डाउन, 30-40 पॉइंट डाउन था, ओपन इंटरेस्ट 4% निफ्टी में ऊपर थी, वेयर एज बैंक निफ्टी में 15% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली अप, यानी कि लास्ट के क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ऊपर गई है। और लास्ट 4-5 दिनों में किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, उसे हम किस तरीके से उसे हमें समझना चाहिए और क्या इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए, ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी यूनिक डेटा, फाइंडिंग ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग इंटरेस्ट डेटा, यानी कि ऑप्शंस में कॉल्स में बाइंग हो रही है या पुट्स में बाइंग हो रही है, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, यानी कि और उसमें भी कौन सी स्ट्राइक में बाइंग इंटरेस्ट है। लाइक से कई सारी स्ट्राइक्स हमारे पास होती है, तो जो बिगर हैंड्स हैं यानी कि उनका जो बाइंग इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक में आ रहा है, दे आर बाइंग 18,100 पुट ऑप्शन और दे आर बाइंग 18,200 पुट ऑप्शन और दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द कॉल ऑप्शंस, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन द लाइव इंट्राडे मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि जब आप स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं तो ये डेटा आपके लिए काफी रिलेवेंट होगा और आप उस स्ट्राइक को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेंट्स या बिगर हैंड्स की बाइंग इंटरेस्ट है। एंड दिस इज अ वेरी यूनिक डेटा विच इज नॉट अवेलेबल, विच इज नॉट अ कॉमनली अवेलेबल डेटा। देन थर्ड पॉइंट हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रिक्स, किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। एवरी डे वी फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग। अभी तक आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरीके से होती है, जहां पे मास पब्लिक का स्टॉप लॉस होता है दैट गेट हिट्स एंड अगेन इट रिवर्सेस। कई बार हमें फॉल्स ब्रेकआउट्स मिलते हैं, जैसे आज भी हुआ था कि अपसाइड में देयर वाज अ अवरली कैंडल ब्रेकआउट एंड देन देयर वाज अ रिवर्सल। तो इस तरीके का सिनेरियो इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो विच इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। कई बार हम देखते हैं कि गैप डाउन होती है, जैसे आज मार्केट में देयर वाज अ गैप डाउन, एसजीएक्स 150 पॉइंट 160 पॉइंट ओवरनाइट एसजीएक्स डाउन थी एंड दैट क्रिएटेड अ इमोशनल पैनिक इनटू अ रिटेल प्लेयर्स। और जैसे ही गैप डाउन हुई ऑल द स्टॉप लॉसेस वेर ट्रिगर्ड एंड देन द मार्केट रिकवर्ड एंड इट केम इनटू अ पॉजिटिव टेरिटरी। तो हाउ दिस इज डन एंड इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या ट्रिक्स हमें यूज करनी चाहिए, उसके लिए हम वॉल्यूम क्लस्टर्स यूज करेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम क्लस्टर? वॉल्यूम क्लस्टर से हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस लेवल पे हो रही है और हमें एंट्री और स्टॉप लॉस किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देन वी विल डिस्कस हाउ टू डू ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस और उसके बाद डेटा का स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज मार्केट में आफ्टर से 11:30 डेटा का जो स्लोप है दैट स्टार्टेड गोइंग डाउन, सो दैट गेव अ सिग्नल कि मार्केट में कुछ कॉल समय अवॉइड करना चाहिए और पुट्स में कुछ एप्रिसिएशन मिल सकता है. दो फाइनली एट द एंड बोथ कॉल्स एंड पुट लॉस्ट लॉट ऑफ वैल्यू, बट आफ्टर 12 PM टू से 2 PM देयर वाज एप्रिसिएशन इन द पुट्स एंड पुट बायर्स मेड सम मनी एंड कॉल बायर्स लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेटा का स्लोप को कैसे देखना है, ये कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं. द इंटायर प्रेजेंटेशन विल टेक नियरली 1 hour और मे बी 1 hour 15 minutes एंड देन एट द एंड वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. सो बिफोर मूविंग टू माई पॉइंट्स, हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसे मैं क्लियर कर लूं यहाँ पे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर आज की प्रेजेंटेशन डिपेंडेंट है. सो वी ऑलवेज थिंक या कि स्टॉक मार्केट अपीयर्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड. अगर आप इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो इट विल लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग. बट स्टॉक मार्केट इज नॉट अ लक, नॉट अ गैम्बलिंग. इट इज टोटली बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स, सर्टेन मैथमेटिक्स एंड सर्टेन साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टूल्स एंड टेक्निक्स एंड लॉजिक्स then we can improve our trading accuracy. So point number one logic is option trading is a zero sum game. What is zero sum game? Zero sum game is ki agar option, somebody is option buyer and somebody is option seller. So if option buyer is making money, agar option buyer ko profit hoga to option seller ko loss hoga, or if one party is making money, the other party will lose money. So what is open interest? Open interest ye hota hai ki jo bhi positions hum create karte hain, so that there is a buyer and there is a seller. And option trading is always a zero sum game. Yani money moves from one hands to other hands. So if you have made profits today, so that means somebody, some koi dusra participant hai, he must have lost the money. Or if you are losing money, so that means somebody is making money. So it is a way around that money is only rotating between 4 participants and it is a zero sum game. Exchange is there to provide a platform. Brokers are there to provide a platform. And we 4 participants, hum log 4 participants hain jo is pure game ko aapas mein transact kar rahe hain. And who all these participants are? Ye 4 participants kaun kaun hain? इसमें 4 participants आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन है, बट जो भी पूरे एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन हो रहा है, द मनी इज मूविंग बिटवीन दीज 4 participants. और इसमें जो पार्टिसिपेंट स्मार्ट है, जिसके पास ज्यादा टूल्स हैं, जिसके पास ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं, ही इज मेकिंग मनी. एंड अदर पार्टी हु इज हैविंग लेस पेशेंस, लेस डिसिप्लिन, ही इज लूजिंग मनी. सो इट इज अ जीरो सम गेम, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, देर आर stronger hands and there are weaker hands. So today what we are discussing a game between stronger hands and a weaker hands, or a professional traders versus a retail trader, or a small trader but versus a big trader. Now ab question ye hota hai ki aap kise bologe ki professional hai aur aap kise bolenge ki wo retail hai. That depends on the capital, that depends on the knowledge, that depends on the software, that depends on the risk, that depends on the discipline that you have. So we have divided based on certain criteria ki professional traders kaun hai aur retail traders kaun hai, ye aage hum slide mein dekhenge. Now again point number 3 is what is the crowd behavior. We always need to find out ki what is the crowd behavior of a market, kyunki normally agar aap casino ka example le to casino mein aap dekhenge ki out of 100 participants into the casino, 95% participants loses money and only 5% participants makes money. So what is the conclusion is crowd generally goes wrong, and so we should trade against the crowd. Yani agar say 80% 90% log ye soch rahe hain ki market aaj gir jayegi, then there is a probability that market might not fall. Aisa nahi hai ki crowd is always wrong. This is not what I am saying. What I am saying is
there is a 80% chances that crowd will go wrong and only 20% chances that crowd makes money. But so we should always have an idea ki crowd jo overall market mein trading ho rahi hai usme crowd ka kya behavior hai. और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसे हम फाइंड आउट करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा से. सो देर आर वेरियस डेटा. वन इज ऑप्शन वॉल्यूम क्लस्टर्स, जिससे हम स्टॉप लॉस निकालना सीखेंगे. क्राउड का बिहेवियर जानना हम सीखेंगे पीसीआर ओआई डेटा से और उसके स्लोप से. सो दैट इंडिकेट्स अ बिहेवियर ऑफ अ क्राउड. एंड मार्केट की जो पोजिशनिंग है वो हम सीखेंगे पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा से. सो source of FIs data, understanding the FIs and professional data, ये कहां से हमें मिलेगा? आप गूगल में, when you go to the Google, you search participants wise open interest data. अगर आप historical type करेंगे तो you get a historical data. तो जब आप गूगल में ये word type करते हैं participants wise open interest data और आगे historical लिख देते हैं, then you, that link is directed to NSE website. NSE वेबसाइट में आप फिर वहां से आप डेट सेलेक्ट करके किसी भी डेट का पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. अब उस डेटा में यू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि क्या अभी मार्केट की पोजीशनिंग है. सो अब हम चलते हैं अपने डेटा पॉइंट्स में, अपने वेरियस जो एजेंडाज हैं उसमें. सो बिफोर मूविंग टू दैट, लेट्स डिफाइन स्मॉल ट्रेडर्स वर्सेस बिग ट्रेडर. स्मॉल ट्रेडर्स क्या होते हैं? जनरली स्मॉल ट्रेडर्स, ये हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डिप्लॉयमेंट की. जनरली ऑप्शन में जो स्मॉल ट्रेडर्स की कैपिटल डिप्लॉयड होती है दैट इज लेस देन 5 लाख. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑप्शन बायर, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑप्शन सेलर, बिकॉज ज्यादातर जो रिटेल प्लेयर्स हैं दे आर इनटू ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन सेलिंग में इट रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि आप जब ऑप्शन सेल करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट नीड्स अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज. सो हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और ज्यादातर रिटेल प्लेयर ऑप्शन बाइंग करते हैं. तो स्मॉल ट्रेडर्स का मतलब हो गया कि अगर उनकी कैपिटल मिनिमम लेस देन 5 लाख है, और यू कैन इवन काउंट इट लेस देन 10 लाख, दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स. अब आपको बहुत लिमिटेड ऐसे ट्रेडर्स मिलेंगे जिनकी ऑप्शंस बाइंग में कैपिटल इज मोर देन 10 लाख. ज्यादातर आपको 90% ट्रेडर्स ऐसे मिलेंगे जिनकी ऑप्शन बाइंग में कैपिटल साइज इज लेस देन 10 लाख. द सेकंड इज स्मॉल ट्रेडर्स, दे जनरली डोंट हैव अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. दे सिंपल, दे जस्ट इंटर द ट्रेड विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. दे लैक डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट. Plus, the major problem is small traders ke paas, they don't have a various data like options ka data aap le lein, ya fir tick level data ho gayi, yani ki kaun se levels pe kis tarike se buying ya selling ho rahi hai, that is called a tick level data. Charting softwares ki knowledge ki kis tarike se aap charts ko study kar sakte hain, read kar sakte hain. Plus, they don't have idea of hedging strategies ki hum kis tarike se hedging kar sakte hain. Even open interest analysis में कई बार इंटरप्रिटेशन बहुत एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं. सो द प्रॉब्लम इज विद द कैपिटल, दे हैव अ लेसर कैपिटल, लेसर रिसोर्सेस, लेसर सॉफ्टवेयर्स, प्लस दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द न्यूज चैनल्स, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द न्यूज चैनल्स एंड टिप्स एंड वेरियस एनालिस्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ से स्मॉल ट्रेडर. वन सेकेंड. So they are mainly dependent on news channels or various tips and analysts, whereas the the professional traders, they have a deployed capital of more than 10 crores into the option segment. So the fight between these two, they have a capital size more than 10 crores, they have a good risk reward ratio, discipline, and top technology, top analyst. They have all the systems like Bloomberg, Reuters. Bloomberg is a very good software, jiske charges karib approximately 2 lakh rupees per month is the average cost of a Bloomberg software. If you go with the Reuters charges nearly 1.5 lakh rupees per month. That is again a data analytics software. So generally they have all the tick level data, all the softwares, all the algo platform, whereas small traders, they don't have. So how
now the question is how the retail trader can be successful. We all know that the fight is tough. The fight is between a very big player. हमारा जो opponent party है, he is a very strong player. उसके पास बहुत सारा capital है. They have lots of softwares, but still we have to make money. So what we can do, how we can fight, what kind of arms and ammunition क्या हम use करें जिससे at least we can improve. Maybe we cannot fight at that scale, but still we can make our living. हम कुछ earning कर सकते हैं. क्या ऐसा tricks and tools को use करें? तो उसमें कुछ findings हैं जो हम use कर सकते हैं जिससे हम improve कर सकते हैं. So we need to understand, हमें ये समझना होगा कि what is the position between big boys and a retail traders, यानी positions market में क्या बनी हुई है और जो bigger hands हैं वो क्या view लेके चल रहे हैं. What they are thinking, they are bullish, they are bearish, they are thinking sideways. So we can find out with certain data points. कैसे हम कर सकते हैं? So let's move to those data. So they are professional traders, they are always watching our positions. जो भी market में positions बनती है, every 3 minute exchange gives the open interest data. अगर आप futures में कर रहे हैं, options में कर रहे हैं, so that data is available to the bigger hands. So whenever say suppose हम मैंने जैसे आपको call option दी कि buy this call option, strike this. Say we all together bought 7 lakh quantity of say put options. जैसे put the put options लिया. तो विदिन 3 मिनट दैट विल अपडेटेड इनटू द ओपन इंटरेस्ट कि ये 7 लाख शेयर की पोजीशंस बनी. नाउ द बिगर हैंड्स, द अपोनेंट पार्टी, वो फटाक से उसको दिख जाएगी कि 7 लाख शेयर की पोजीशंस मार्केट में अभी इस स्ट्राइक्स पे बनी है. नाउ अगेन देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट दिस इज अ बाइंग ऑफ ऑप्शंस और सेलिंग ऑफ ऑप्शंस, एंड नाउ इन दैट वे द पोजीशंस आर स्टॉप लॉस हंटेड और ट्रैप्ड. सो ऑलवेज हमें बाइंग उस हिसाब से करनी है जब स्ट्रॉन्गर हैंड, स्ट्रॉन्गर पार्टी आर बाइंग. लाइक इफ दे आर बाइंग पुट ऑप्शन, देन वी शुड मूव टुवर्ड्स पुट ऑप्शन. इफ दे आर बाइंग कॉल ऑप्शन, वी शुड मूव टुवर्ड्स द कॉल ऑप्शन. बिकॉज रिसेंट में फॉर लास्ट 1 ईयर द गेम, द ऑप्शन गेम हैज बीन चेंजिंग वेरी फास्ट बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर गेटिंग इंटर्ड इन टू द ऑप्शन गेम. बिकॉज क्या था, कोविड के पहले द गेम वॉज ईजी. इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोविड ऑल्सो द गेम वॉज स्लाइटली ईजी बिकॉज द पार्टिसिपेंट्स वेर कंपेरेटिवली लेस. बट अभी क्या है कि देर आर वीकली ऑप्शन में मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स आर गेटिंग इन टू द वीकली ऑप्शन, एंड सो दैट्स वाई द गेम इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड. सो यू नीड टू बी मोर स्मार्टर नाउ. सो दीज आर द टॉप फंड्स हु आर ट्रेडिंग विद अ वेरी ह्यूज कैपिटल. So I've taken some of the examples, like you all must be knowing, aap log ko pata hoga, George Soros, he have a fund size of 28 billion. That investment is into equity, into futures, into options, not it all into options. Ye sara aisa nahi hai ki it is into the options, but these are the big example of big fish, big funds who are trading against us. So they normally, the bigger hands, the FIs, the hedge funds, they have a very very big fund size. Bahut bade capital ke sath wo trade karte hain. So that's why they can manage the stocks, they can manage the market. Like kai baar aap dekhte hain ki jaise what was happening today, the example is Nifty was falling and suddenly there was buying into Reliance. Nifty gir rahi hai and somebody came to manage the market with the Reliance. The reason is जो option sellers हैं उनको options का premium eat करना था. They wanted to eat the time value. So they come with some stocks to manage the index level. And जो बड़े stocks होते हैं like Reliance, Infosys, TCS, Kotak Bank, Axis Bank, इनकी जो holding होती है, they have a big holding in these stocks and they play a basket. वो basket बना करके they manage the market and they eat all the premium. आज मार्केट साइडवेज क्यों रही, यानी आज का मार्केट इट वाज अ कंप्लीट ऑप्शन ईटिंग डे. व्हाई इट वाज सो, द रीजन इज देयर वाज अ फेड मीटिंग यस्टरडे ओवरनाइट. फेड मीटिंग होने के कारण क्या था, ऑप्शंस का प्रीमियम हाई था, प्लस मोस्ट ऑफ द रिटेल प्लेयर्स, किसी ने ये सोचा कि मार्केट नीचे जाएगी, किसी ने ये सोचा मार्केट ऊपर जाएगी. सो देयर वाज
देयर वाज ऑप्शन बाइंग पोजीशन विथ मेनी रिटेल ट्रेडर्स, कई सारे रिटेल ट्रेडर्स के पास ऑप्शन बाइंग की पोजीशंस थी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आज आरबीआई की तरफ से भी मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग, जिसमें इन्फ्लेशन को लेकर के क्लैरिफिकेशन आना था, दैट वाज आल्सो नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू द मीडिया। बट उसके कारण देयर वाज लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट बाय द रिटेल प्लेयर्स इनटू द ऑप्शन सेगमेंट। अब रिटेलर्स दे वर बायर इनटू द ऑप्शंस, उन्होंने ऑप्शंस बाय किया, इधर कॉल बाय किया, पुट बाय किया, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, द कॉल बायर आल्सो लॉस्ट लॉट ऑफ मनी एंड पुट बायर आल्सो लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। सो जितना भी ये प्रीमियम था, दिस हैज बीन कैप्चर्ड बाय द बिगर हैंड्स। सो ऑल द प्रीमियम्स वेंट डाउन एंड निफ्टी एक्सपायर्ड एट 18,050। सो इट वॉज द हाइएस्ट टाइम वैल्यू डिके टूडे दैट वी हैव सीन। तो कई एग्जाम्पल्स हमें ऐसे दिखते हैं, ये फोटो मैं कई बार शेयर करता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये स्टॉप लॉस हमारे होते हैं, एंड देर इज अ लॉन्ग हैमर, काइंड ऑफ हैमर कैंडल, लॉन्ग टेल कैंडल। तो कभी भी आपको अगर ऐसी टेल दिखे मार्केट में, तो यू कैन एज्यूम दिस इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। टेल का मतलब क्या हुआ कि एक ऊपर हैमर बना, एंड दिस इज अ बेस्ट पैटर्न टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर ऊपर बनता है तो ऊपर रिवर्सल हैमर होगा, और अगर नीचे बन रहा है तो इट इज अ फॉल के बाद स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है? स्टॉप लॉस हंटिंग जब भी होती है तो सडनली देयर इज अ फॉल इन टू द मार्केट, ऑल द स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड, एंड देन निफ्टी और इंडेक्स क्लोजेज एट द हाई। तो उसमें जितनी भी स्टॉप लॉसेज हुई, दैट गॉट ट्रिगर्ड, एंड देन देयर इज अ स्मार्ट रैली टुवर्ड्स द हाई। तो अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं, तो स्टॉप लॉस हंटिंग आइडेंटिफाई करने का बेस्ट पैटर्न इज द हैमर पैटर्न, जिसका टेल शुड बी लॉन्ग। अगर ये बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और टेल अगर इसकी लंबी है, तो दैट इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग। और कभी भी एक डाउन मूव के बाद अगर इस तरीके का टेल बने और उसका उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई को ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। You can go long, आप buy कर सकते हो वहां से with a stop loss of the long tail candle. अब कई बार ये tail candle लंबी भी होती है, छोटी भी होती है, so ये काफी important pattern है जो आप note down कर सकते हैं। कई बार ऊपर भी stop loss hunting हमने देखा होगा कि ये breakout होता है, then there is a down move. आज today same happened around 11:30 to 12, 11:30 to 12:30 बजे. अगर आप intraday में देखोगे तो hourly candle का breakout हुआ, 30 मिनट कैंडल में भी एक ब्रेकआउट आया, देन देयर वाज अ स्ट्रांग रिवर्सल एंड इट केम अराउंड 18,110-120 फ्यूचर्स का लेवल था ऐसे ही, और वहां से फिर निफ्टी फ्यूचर वेंट डाउन टू 18,030-35, ऐसे 60-70 पॉइंट का एक करेक्शन आया, जिसमें कॉल्स जो ऊपर की थी दैट ऑल वेंट डाउन। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप ऑन द अपसाइड, व्हेन मार्केट ऊपर जा रही इसमें हम हंटिंग करते हैं। तो कभी भी ऑप्शन बाइंग हमें ब्रेकआउट स्कैंडल पे नहीं बाई करना चाहिए। व्हाई सो वी शुड नॉट बाय ऑप्शंस ऑन द ब्रेकआउट कैंडल। समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डज नॉट वर्क, मेनी टाइम इट डज नॉट वर्क। अब आप ऐसा सोचो कि जो बिगर हैंड्स हैं, स्मार्टर हैंड्स हैं, डू दे बाय ऑप्शंस एट अ ब्रेकआउट्स? क्या स्ट्रॉन्गर हैंड्स कॉस्टली ऑप्शंस खरीदेंगे? Or they will like to buy options at a cheaper price. Like we retail, हम लोग options को breakouts पे buy करते हैं, and we buy at any price. क्योंकि हमें एक lot, दो lot, 10 lot, 20 lot लेना होता है. But जब मुझे suppose आप ये मानो कि मुझे 10 lakh quantity खरीदनी है या 5 lakh quantity खरीदनी है, जब मेरे पास fund size 10 crore, 20 crore, 50 crore का है, तो I will not buy 1 lot, 2 lot, 10 lot, 20 lot. Minimum my buying quantity would be 5 lakh, 4 lakh. या इन अ ट्रेंच, यानी 2-2, 3-3 lakh करके आई विल प्लेस द ऑर्डर्स। तो ब्रेकआउट कैंडल पे तभी मैं बाय करूंगा एज अ बिगर हैंड्स, जब मुझे ऐसा कुछ मेजर न्यूज है या देर इज आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग रैली। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम द बिगर हैंड्स ऑलवेज बाय ऑप्शन ऑन द डिप्स। यानी अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने के पहले ऑलवेज द ऑप्शन प्राइस विल गो डाउन, एंड इन अ डाउन मूव दे विल एक्यूमुलेट। यानी जब मार्केट नीचे आ रही है तो एट से 50 rupees दे विल बाय 2 lakh, देन एट 48 दे विल बाय 2 lakh, देन एट 40 rupees दे विल बाय 2 lakh, एंड सडन डाउन मूव एंड देन अप मूव। सो एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस लेवल पे बाय करते हैं।
तो सपोज इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, तो आप ब्रेकआउट कर रहे हो तो आप एक 25% क्वांटिटी ही ब्रेकआउट पे लो, और उसके बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है देन ओनली यू इंटर योर द इंटायर ट्रेड। क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो ठीक है, आप 25% ले लोगे तो आपका ट्रेड नहीं मिस होगा, बट ऑन अ रिवर्सल और ऑन सम से रिट्रेसमेंट इफ यू बाय, आपकी बाइंग कॉस्ट भी कम होगी एंड यू विल बी बाइंग विथ अ बिगर हैंड्स। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिनेरियो, स्टॉप लॉस हंटिंग ऑन अ फॉल्स ब्रेकआउट। सो दिस इज अगेन समटाइम, कई बार आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस लेवल के आसपास यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, रेसिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, वहां पे ऑलवेज यू विल फाइंड कि रेसिस्टेंस पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और सपोर्ट पे भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। इट कैन बी 1 आवर सपोर्ट और इट कैन बी अ डेली सपोर्ट और अ वीकली सपोर्ट। अगर जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि देर विल बी अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हंटिंग। मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, अराउंड 17,950 देर वॉज अ ब्रेक डाउन। इवन आई थॉट कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है एंड आप लोगों को मैंने एक एक ब्रेक डाउन का स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि निफ्टी इज ब्रेकिंग डाउन अराउंड 17,950 एंड निफ्टी ब्रोक डाउन टू से 17,900-9,25 तक आई। इट वॉज अ फॉल्स ब्रेक डाउन एंड देन निफ्टी रैलीड टूवर्ड्स 18,200 एज ऑफ नाउ 18,100। तो वो देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन, ऑल स्टॉप लॉस वेयर हंटेड ट्रैप्ड एंड देन देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रैली विद इन 12 डेज। अगर आप लास्ट 12-13 दिनों में देखें तो एवरी डे देर वॉज अ गैप अप ओपनिंग एंड देन मार्केट मूव डाउन, मोस्टली इन द प्रीवियस मंथ। अगर आप अक्टूबर एक्सपायरी में देखेंगे तो लास्ट के 12-13 दिन 17,000 से 18,000 इट वॉज अ गैप डाउन ओपनिंग एंड आफ्टर गैप डाउन देर वॉज अ करेक्शन इन टू द इंट्रा डे। तो अल्टीमेटली निफ्टी ऊपर जा रही थी बट द बिगर हैंड्स डिड नॉट अलाउड अस टू बाय द कॉल ऑप्शन बिकॉज एसजीएक्स में वी आर नॉट ट्रेडिंग, वी आर नॉट ट्रेडिंग इन टू द एसजीएक्स एंड दे हैव एक्सेस टू द एसजीएक्स। तो यहाँ पे वो ओपनिंग के बाद बेच देते हैं एसजीएक्स में, दे बाय इट। So that's why call options made, it was very difficult to buy the call option in last 12 days. So अब हम points पे आते हैं कि किस तरीके से हम थोड़ा और समझदार हो सकते हैं, किस तरीके से। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि गेम में भाई स्ट्रॉन्गर पार्टी है और फाइट इज वेरी टफ, वी नीड टू बी मोर स्मार्टर टू मेक मनी। बट क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं जो अवेलेबल टूल्स हैं, विच इज अ फ्रीली अवेलेबल टूल्स, बिकॉज पेड टूल्स बहुत सारे हैं बट द थिंग इज you should have a free tools to identify these kind of data. So सबसे important data आपके पास available होता है, that is a participants wise open interest data, और ये NSE exchange की तरफ से ये data मिलता है। Even I tried to get this data into a US market, but they do not provide NASDAQ, और अगर आप Dow Jones में if you want a participants wise open interest data, so it is a very very costly data, they are not providing it, and if you need access you need to pay a very heavy charge. But in India, we are fortunate कि हमें ये data exchange free में दे रहा है participants wise open interest data. So we all should use this data and this is a very very relevant and useful data. So participants wise open interest data क्या हुआ? जैसे मैंने शुरू के starting में presentation में discuss किया था कि it is a zero sum game and the money is moving between four participants. यानी कि there are four participants into the market. एक है retail player, जिसे आप स्मॉल ट्रेडर बोल सकते हैं, लाइक वी ऑल फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ रिटेल प्लेयर्स। द सेकंड इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज जिसे हम बोलते हैं, दे आर वेरी वेरी एक्टिव। एफआईज में भी दो तरीके के एफआईज होते हैं, वन इज कोर इक्विटी में जो ट्रेड कर रहे हैं, द सेकंड इज दे आर वेरी एक्टिव इन डेरिवेटिव सेगमेंट लाइक ऑप्शंस फ्यूचर्स में दे आर वेरी वेरी एक्टिव। सो एंड देर आर अदर एफआईज में भी हेज फंड्स होते हैं, दे आर मोर एक्टिव इन टू द डेरिवेटिव सेगमेंट बिकॉज हेज फंड्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी। हेज फंड्स आइदर निफ्टी गोज डाउन और अप, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट्स। वेर एज जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज टू आउट परफॉर्म द मार्केट। इफ सपोज म्यूचुअल फंड सेज कि निफ्टी इज डाउन बाय 10%, अगर निफ्टी 10% डाउन है और म्यूचुअल फंड इज डाउन बाय 5%, सो दैट इज understood to be a good mutual funds because वो outperform कर रही है। But hedge funds का objective क्या होता है कि market नीचे जाए ऊपर जाए they have to make money। Like as a retail trader हमारा objective क्या है, market नीचे जाए ऊपर जाए
into an option segment, we have to make money. So that is the objective of hedge funds. So hedge funds like George Soros, he has a very big hedge funds. So hedge funds, they are very, very active in options and future segment. DIIs, ये mutual funds हो गए, and mutual funds are also futures में ये कम active हैं, but options में they are active, and they are mostly active in option writing, यानी कि covered call writing में ज़्यादा active हैं mutual funds, because उनको naked options they are not allowed to trade, उनके पास कुछ restrictions होती है options में trading करने के लिए, so that's why जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दे आर मोर एक्टिव इन कवर्ड कॉल राइटिंग. कवर्ड कॉल राइटिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर पास सपोज उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो अगेंस्ट द होल्डिंग दे कैन सेल द कॉल ऑप्शंस. इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई सारी स्ट्राइक्स में बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल्स में, एंड वी ह्यूज ओपन इंटरेस्ट वी सी इन टू द कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स, एंड सो दैट इज अ कवर्ड कॉल राइटिंग पोजिशंस बाय अ म्यूचुअल फंड्स. And there are proprietary accounts. Proprietary accounts का मतलब Edelweiss का proprietary funds हो गई, SMC का prop funds हो गए, मोतीलाल ओसवाल के prop funds हो सकते हैं. So it could be again these all three players are a stronger hands. Do you agree or not agree? Retail is a very small category in these all four participants. But still, these days what we are seeing is retails are doing very good into the market because there are very large number of retailers, but we need to understand ki crowd kya kar rahi hai, crowd ke against hum trade karenge to then winning probability is higher. To ye jo chart data hai, hum kaise dekh sakte hain, you go to the Google, aap search kare participants wise open interest data, historical aap lenge to historical milega, aur aaj ka dekhna hai to aaj ka dekh sakte hain, aur usme you can even compare with the previous day data. Suppose aap download kar lo aaj ka data aur kal ka data, और उसमें आप कंपेयर करो कि कल के डेटा से आज के डेटा में किस पार्टिसिपेंट्स ने क्या एक्स्ट्रा पोजीशन बनाई है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने ये पोजीशन में लेके आया हूं, जो नवंबर एक्सपायरी की आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है कल तक की, क्योंकि कल जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मेरे पास कल तक का डेटा था. आज का डेटा नॉर्मली एक्सचेंज गिव्स बाय 6 इन द इवनिंग, 6:30 बजे तक ये डेटा एक्सचेंज अपडेट कर देती है. ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी थर्सडे को ये डेटा लेट आता है, मे बी अराउंड 8-9, क्योंकि उस दिन डेटा बहुत ज्यादा होता है, बट नॉर्मली एवरी डे यू गेट दिस डेटा बाय 6-7 इन द इवनिंग. तो ये डेटा कल तक का है. इसमें अगर आप करेंट सिचुएशन देखेंगे तो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा नवंबर का क्या है, सो ये लॉट्स के टर्म्स में ओपन इंटरेस्ट है. दिस इज ओपन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉट्स. सो ये क्लाइंट्स, डी आईज, एफ आईज एंड प्रोप्राइटरी, ये चार पार्टिसिपेंट्स हैं. क्लाइंट्स ये नाउ फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग एंड फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, यानी कि कितना लॉन्ग पोजीशन हो गई, यानी बाय पोजीशन कितनी है, व्हाट इज द बाइंग पोजीशन एंड व्हाट इज द शॉर्ट पोजीशन रिटेलर्स की. अब रिटेल्स की आप देखेंगे तो करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट उनका बाय है. लाइक वी ऑल रिटेल, हम लोग जितने भी रिटेल प्लेयर हैं, वी फॉल, अगर आप एक ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज की तरफ से हमें कोड्स प्रोवाइड होता है ब्रोकर्स को, यानी कि देयर इज अ क्लाइंट कोड, आप सौदा डालते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सीएलआई क्लाइंट कोड. उसी तरीके से डीआई कोड होते हैं, उसी तरीके से एफआईएस कोड होता है, उसी तरीके से प्रॉप कोड होता है. अगर हम प्रोप्राइटरी में कर रहे हैं, इट इज अ प्रो कोड. तो ये चार कोड्स होते हैं जिसमें से ये ट्रेड फिल्टर किए जाते हैं, एंड एक्सचेंज फिल्टर्स द डेटा एंड गिव्स यू इन अ समरी. तो अभी जो करंट सिचुएशन कल तक की है, क्लाइंट्स की लॉन्ग पोजीशन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट पोजीशन 1,60,000 लॉट्स हैं. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से, देन यू गेट अ नंबर ऑफ शेयर्स. सो व्हाट इज द नेट पोजीशन? नेट पोजीशन इज 44,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज 1.28. डीआईस का देखें, डीआईस का डेटा नॉर्मली आप देखेंगे तो टीवी चैनल्स पे कम फ्लैश होता है. मोस्टली most of the TV channels like Zee Business, CNBC Awaaz or ET Now, ये ज़्यादा FIs के futures की buying selling का ही data display करते हैं, but DIs का जो data होता है, that is not normally displayed into a media channel. So this, ये भी एक data है जो आप observe कर सकते हैं कि DIs जो हैं, उनकी index में क्या position है. So in DIs की तरफ से index की जो position है, that is short contracts, यानी कि
अप्रोक्सीमेटली 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर रनिंग शॉर्ट. FIs अभी मार्केट नवंबर में क्यों बढ़ रही है, द रीजन इज FIs आर ऑन द लॉन्ग साइड एंड एनी टाइम दे कैन बुक द प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि दे आर लॉन्ग तो वो लॉन्ग ही रहेंगे. अब हो सकता है अभी 18,100 चल रहा है, 18,200 के आसपास आकर के किसी भी दिन डेटा चेंज हो जाए. सो वी नीड टू लुक एट दिस डेटा एवरी डे. हमें हर दिन देखना है कि 3:30 शाम को 6 बजे के बाद इस डेटा में पिछले दिन से क्या चेंजेस आया है, यानी कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स किसने इंक्रीज किया है और किस पार्टिसिपेंट्स ने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्रीज किया है. अगर हम इसे रेगुलर ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन कैच मेनी बिग मूव्स इनटू द मार्केट. प्लस लाइव मार्केट में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा ये डेटा कि यू आर ट्रेडिंग विद द एफआईज और यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द एफआईज. अब जैसे ये आज का, ये कल का डेटा है, आज का डेटा अगर आ गया होगा तो आप उसको कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस डे और आज के फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आया, किसने पोजीशन इंक्रीज किया, किसने पोजीशन डिक्रीज किया. जैसे आज बैंक निफ्टी में 15% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, निफ्टी में 3% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था आज लाइव मार्केट में. नाउ अगर जो अभी एनएससी का डेटा है उससे आप डिफरेंस निकाल के ट्राई टू फाइंड आउट कि किस पार्टी ने वो 15% जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ बैंक निफ्टी में, वो किस पार्टी ने इंक्रीज किया. इफ यू सी दैट रिटेलर्स हैव इंक्रीज दैट ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब देयर इज अ रिस्क इन टू द मार्केट. बट इफ एफआईज हैव इंक्रीज दैट पोजीशन एंड दैट इज इन टू द लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड, अगर उन्होंने लॉन्ग साइड इंक्रीज किया तो मार्केट इज रेडी टू मूव अप, अगर शॉर्ट साइड इंक्रीज किया तो रेडी टू गो डाउन. और शॉर्ट साइड इंक्रीज किया क्योंकि ये जो डेटा है ये इंडेक्स का डेटा है एंड दिस कंबाइंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ. हमें ये नहीं मिलता है कि ये निफ्टी का है कि बैंक निफ्टी का है, बट दिस इज अ कंबाइंड डेटा ऑफ इंडेक्स. तो अगर शॉर्ट साइड इंक्रीज किया और इंडेक्स में बैंक निफ्टी में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एड हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी कैन बी वीकर देन द निफ्टी. और अगर से बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और ये लॉन्ग साइड का है तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि बैंक निफ्टी विल मूव फास्टर ऑन द अपसाइड. सो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट. अब हमें प्रोप्राइटरी फंड्स जो है, प्रोप्राइटरी फंड्स का आप देखोगे तो उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 0.68 आ रहा है. सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी के समय में क्लाइंट्स आर ऑन द लॉन्ग साइड, यानी हम रिटेलर्स, हमारा व्यू जनरली ऑलवेज वी कीप अ लॉन्ग व्यू. हमारा अभी नवंबर एक्सपायरी में लॉन्ग व्यू है और एफआईज का व्यू भी अभी तेजी की तरफ है. तो हमें जो प्ले करना चाहिए मार्केट में, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अभी इसके हिसाब से बन रही है क्योंकि एफआईज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन दिस कैटेगरी. डीआईज जनरली दे उनकी जो पोजीशंस होती है वो हेज के हिसाब से होती है, तो डीआईज आर लेस रिलेवेंट कंपेयर टू एफआईज. FIs is the strongest party among these four participants. Now, कई बार आप ये देखोगे कि ये तीनों के तीनों participants, यानी कि DIs, FIs and proprietary, ये तीनों के तीनों participants कई बार आपको दिखेंगे कि they are on the short side. तो जब और retailers they are strongly on the long side. अगर ऐसी condition कभी हमें दिखती है तो we should be very very cautious. और हमें क्या करना होगा उस समय, जब भी शॉर्ट सिग्नल मिले या सेल सिग्नल मिले तो हमें ट्रेड लेना चाहिए और बाय सिग्नल को ओवरनाइट एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए. लास्ट मंथ का अगर आप डेटा देखेंगे तो लास्ट मंथ एफआईज वेयर ऑन द शॉर्ट साइड एंड रिटेलर्स वेयर ऑन द लॉन्ग साइड एंड देन ऑल्सो मार्केट रैलीड ऑन द अपसाइड. व्हाई इट रैलीड वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज देयर वाज शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम एफआईज. एफआईज ने अपनी पोजीशन शॉर्ट किया. ऐसा नहीं है कि एफआईज ऑलवेज विंस. We retail also makes money. What I mean is, we need to have an idea. हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पे क्या पोजिशनिंग है. अगर हमें ये पता है then the road is smooth. हमें we are not trading with a blind eyes कि हमें पता ही नहीं है कि who is on the long side, who is on the short side. तो ये long short ratio is very very important. Rollovers, जब expiry rollover होती है और Thursday को rollover होती है last month के end में and after that आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि लॉन्ग रोलओवर्स हुआ है या मार्केट में शॉर्ट रोलओवर्स हुआ है. इस डेटा को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट में किसका इंटरेस्ट बाई साइड है, किसका इंटरेस्ट शॉर्ट साइड है. तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि लॉन्ग रोलओवर है, शॉर्ट रोलओवर है. और उसके बाद यू नीड टू कंबाइन द प्राइस एक्शन विद दिस डेटा कि अगर से एफआईज का लॉन्ग रेशियो ज्यादा है
देन यू कैन एज्यूम दैट दिस इज अ लॉन्ग रोल ओवर. और अगर एफ आईज का शॉर्ट रेशियो ज्यादा है और प्राइस इज ऑल्सो गोइंग डाउन, तो आप एज्यूम कर सकते हैं दिस इज अ शॉर्ट रोल ओवर. तो इस तरीके से आप इससे रोल ओवर्स का भी एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं. नाउ मैं सेकेंड पॉइंट पे आता हूं. होप द पॉइंट नंबर वन इज क्लियर. पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे पाया हूं कि इसे कैसे देखना है. बेसिकली इसे हमें कंपेयर करना है प्रीवियस डे से. इवन आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एवरी डे का जो डेटा है वो आप एक्सेल में सेव कर लो, और नेक्स्ट डे का डेटा आता है उसको आप एक्सेल में डालो, एंड देन यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस डे एंड जस्ट प्लॉट अ लाइन चार्ट. आप एक्सेल में एक लाइन चार्ट उसका बना लो कि हर डे का किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स वाइज डेटा मूव कर रही है. एंड दिस डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल इन सम ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर. स्टॉकेज, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉकेज में भी दिस इज ऑल्सो अवेलेबल. वी आर सून गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन टू ऑटो ट्रेंडर ऑल्सो, तो आपको ये डेटा ऑटो ट्रेंडर में भी मिल जाएगा. प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट 10-15 डेज वी विल इनकॉर्पोरेट इट. एंड प्लस दिस इज अवेलेबल इन मेनी फ्री सॉफ्टवेयर डेटा, यू कैन एक्सप्लोर इट. नाउ द सेकेंड, आई एम मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट डेटा. सो जैसे आज बैंक निफ्टी में इट वॉज ओआई एडिशन वॉज 15%, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन वॉज 3-4%. अगर आज से 4-5 दिन पहले की बात करें, प्रीवियस की बात करें, तो बैंक निफ्टी में 20% ओपन इंटरेस्ट एड हुआ था मोस्ट लाइकली ऑन फ्राइडे. यस, ऑन फ्राइडे आफ्टर द एक्सपायरी. फ्राइडे को बैंक निफ्टी में द बैंक निफ्टी एडेड 20% ओपन इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस फ्राइडे. और उस दिन बैंक निफ्टी केम डाउन अराउंड 14,600 से इट केम डाउन टू 14,100. अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आप समझो कि क्या है. 14,600 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था फ्राइडे को, एंड फ्रॉम द फ्राइडे टू थर्सडे आज तक लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में अभी तक हम लोग 14,600 को क्रॉस नहीं कर पाए. सो इट मीन्स देर इज अ सेलर सिटिंग अराउंड 14,600, क्योंकि वो जो ओपन इंटरेस्ट है उसको हम अभी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. आज भी अराउंड 41,500-46,600 जब फ्यूचर्स थी तो ही ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था. सो इट मीन्स सेम प्लेयर इज अगेन क्रिएटिंग द ओपन इंटरेस्ट. सो अगर इस वीक में आप देखेंगे तो 20% प्लस 15%, सो इट्स अराउंड 30-35% ओपन इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड इन बैंक निफ्टी. सो पोजीशंस बढ़ रही है यहाँ पे. सो अगर 41,600-47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी, सो देन इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 42,000 और अबव. अगर से 41,000 ब्रेक कर गया देन वी कैन हैव अ गुड करेक्शन, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट या पोजीशंस बनी है वो 41,500-400 इसी एवरेज में आप पकड़ के चल सकते हो, यानी 400-600 के रेंज में ओपन इंटरेस्ट बना है. अब ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन आपको प्राइस मूवमेंट से लिया जाता है कि प्राइस की क्लोजिंग किस तरीके से है, एंड देन उससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इट इज अ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप और अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग. लाइक से प्राइस इज अप, यानी कि अगर प्राइस अप है और ओपन इंटरेस्ट भी अप है, देन हम उसे ये बोलते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप. अब प्राइस अप का मतलब कई बार क्या होता है कि लाइव मार्केट में ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है, बट ये बेसिकली आपको क्लोजिंग में ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन देगी कि मार्केट की जो क्लोजिंग फाइनली क्या हो रही है. अगर क्लोजिंग अप हो रही है मार्केट की और ओपन इंटरेस्ट भी अप है, सो दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग बिल्डअप. लाइक से टुडे 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और क्लोजिंग ऑफ निफ्टी इज डाउन बाय 30 पॉइंट, तो इसे बहुत ज्यादा रिलेवेंट हम नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन क्लोजिंग नहीं है. 30-35 पॉइंट इज नॉट इवन अ 0.5% डाउन क्लोजिंग. सो अगर किसी कारण से निफ्टी 100 पॉइंट नीचे क्लोज होती, अप्रोक्सीमेटली अराउंड मोर देन 0.5-0.75%, तो आप उसे शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप ले सकते हो. बट अभी हम इसे न्यूट्रल डेटा मानेंगे, इससे कोई क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रही. बैंक निफ्टी में 15% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और क्लोजिंग इज पॉजिटिव ऑन द पॉजिटिव साइड, सो आप उसे लॉन्ग बिल्डअप अभी के समय में बोल सकते हो लुकिंग एट आज की क्लोजिंग. सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि प्राइस अप है, ओपन इंटरेस्ट अप है, सो दैट इंडिकेट्स अ लॉन्ग बिल्डअप. लॉन्ग बिल्डअप का मतलब बाय
लॉन्ग बिल्डअप का मतलब बाय। सेकेंड इज प्राइस डाउन है, यानी कि जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का प्राइस डाउन हो गया से आधे परसेंट, 1% नीचे क्लोजिंग हुई, एंड द ओपन इंटरेस्ट इज अप बाई से 3%, प्राइस इज डाउन बाई 1%, प्राइस 1% डाउन है और ओपन इंटरेस्ट अप है, तो यू विल कॉल इट एज अ शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि देर इज अ सेलिंग इन टू द स्टॉक और देर इज सेलिंग इन टू अ इंडेक्स। सो ये दो इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप यानी ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं, और बाकी ये दो है, दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, सो दैट इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ये ऑप्शंस में कई बार, ये फ्यूचर्स में हमें कई बार ये देखने को मिलता है, लाइक इवन फ्यूचर्स में जैसे कई बार पोजिशन ट्रैप हो जाती है, देन यू विल सी अ सडन जंप इन टू द मार्केट एंड ओपन इंटरेस्ट इज फॉलिंग। व्हाई द ओपन इंटरेस्ट इज फॉलिंग? बिकॉज जो शॉर्ट वाले प्लेयर हैं, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है मार्केट को, दे आर कवरिंग देयर पोजिशन। सो वेन यू कवर योर पोजिशन, जब आप शॉर्ट को कवर करते हो, आपकी सेल पोजिशन है, आप उसको बाय करते हो, सो वेन यू बाय पुट अ बाय ऑर्डर, सो द मार्केट पुशेज अप, मार्केट ऊपर मूव करती है वेन यू पुट अ बाय ऑर्डर, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट कवरिंग। आप अपनी शॉर्ट पोजिशन को कवर कर रहे हो, सो ऑन अ शॉर्ट कवरिंग प्राइस मूव्स अप एंड ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन, सो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट कवरिंग। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, यानी सपोज आपके पास बाय पोजिशन है और आप उसको काटते हो, फिर तो आप क्या करोगे, यू सेल इनटू द मार्केट, तो जब आप सेल करोगे तो मार्केट का प्राइस नीचे जाएगा और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा, यानी लॉन्ग पोजिशन अनवाइंड हो रही है। सो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजिशन इज अ साइन ऑफ वीकनेस, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजिशन इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और शॉर्ट कवरिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो यानी ये हम लोग ने क्या समझा कि ये जो चार कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन बाय साइड की होती है और दो कंडीशन सेल साइड की होती है, यानी ये दिस कंडीशन एंड दिस इज अ सेल साइड कंडीशन, दिस टू आर अ सेल साइड कंडीशन, और ये दिस इज अ बाय साइड कंडीशन। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। बाकी आप गूगल में और सर्च कर सकते हो कि हाउ टू एनालाइज द ओपन इंटरेस्ट, का ही आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इन्वेस्टोपीडिया में, यू कैन put some effort and you can do more studies. Live market में जब आप इसे study करेंगे तो you will find more and more clarity कि हमें इसे कैसे use करना है. This open interest concept जो है ये ज़्यादा अच्छी काम करती है निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में। अगर आप से मिड कैप्स में जाएंगे तो मिड कैप्स में मे बी एक्यूरेसी इज ऑन द लोअर साइड, बट जब आप फ्रंट लाइन स्टॉक्स में देखेंगे लाइक रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, so this data is more reliable on the frontline top 10 to 15 stocks. Now hum point number 3 pe aate hain, maybe the presentation would be slightly delayed because we are at 7:50 and still I have to cover, so maybe I'd be delay by 15-20 minutes and I'd be finishing by 8:20 around. So स्टॉप लॉस हंटिंग, सो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू अवॉइड द स्टॉप लॉस हंटिंग। टू अवॉइड अ स्टॉप लॉस हंटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू फाइंड अ राइट एंट्री लेवल। कई बार आप ये देखोगे कि ट्रेड आपका सही है, डायरेक्शन आपका सही है, स्टिल वी लूज मनी इन टू द मार्केट, एंड इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। मार्केट में आप बुलिस हो, मार्केट भी बुलिस है, निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग अप, स्टिल वी आर नॉट एबल टू मेक मनी। सो द रीजन इज वी डोंट हैव अ राइट एंट्री लेवल। कई बार हम और वी लूज मनी बाय हिटिंग द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारे हिट कर जाते हैं। तो राइट एंट्री लेवल कैसे फाइंड करें कि मैं अभी हम आगे समझेंगे। देन हम जब वेन वी आर पुटिंग अ स्टॉप लॉस, वी शुड अवॉइड अ राउंड नंबर स्टॉप लॉस, जैसे 30 rupees, 40 rupees, 60 rupees, राउंड नंबर्स जो होते हैं वो, दैट वी शुड अवॉइड एज अ स्टॉप लॉस। वी शुड टेक अ से 45 rupees हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, 43 rupees 25 paisa,
47 रुपीज 25 पैसा। अब कई बार when I am putting this kind of, when I am giving on the Telegram channel, कई बार मैं इस तरीके का फ्रैक्शनल स्टॉप लॉस आप लोगों को नहीं देता हूं टू अवॉइड द कंफ्यूजन, बट आप खुद से यू कैन जस्ट चेंज द स्टॉप लॉस टू द फ्रैक्शंस। आप अगर फ्रैक्शंस में रखोगे, प्लस अगर आप थोड़ा सा अलग अलग रेट्स पे रखोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग थोड़ी कम होगी, बिकॉज अगर से वी ऑल रिटेल, जैसे टेलीग्राम चैनल में हम लोग 20-21 हज़ार लोग हैं एंड वी ऑल पुट स्टॉप लॉस एट अ सेम लेवल, then there is a risk of stop loss hunting, क्योंकि अगर से हमने 40 रुपीज पे रखा तो there is a chances that 40 रुपीज will hit, but अगर हम थोड़ा fraction में रखें उसको कि 39-20, 39-10 अलग अलग थोड़ा सा, in that case what will happen that the stop loss जो stop loss है that will be scattered और hunting के chances कम हो जाएंगे। So एक तो right entry level कैसे लें ये हम discuss करेंगे। हमें stop loss round numbers पे नहीं रखना चाहिए। थर्ड इज यू शुड गिव एनफ रूम, जैसे स्टॉप लॉस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी सुटेबल स्टॉप लॉस। कैसे, अब हम आते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरीके से फाइंड करें और बाइंग इंटरेस्ट किधर हो रहा है, किस ऑप्शंस में हो रहा है। बिगर हैंड्स आर बाइंग कॉल खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करें, एंड दिस इज अ वेरी यूनिक डेटा, ये आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक डेटा फ्रॉम अ ऑटो ट्रेंडर। आई एम नॉट पिचिंग द ऑटो ट्रेंडर, बट मैं आपको ये डेटा दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दिस डेटा गिव्स यू अ सिग्नल कि किस स्ट्राइक में द बिगर हैंड्स आर एक्टिव, एंड ये जो मॉडल है दिस इज अ प्रोप्राइटरी मॉडल विच इज यूज बाय SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज, एंड दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, and this catches the buying orders of a bigger hands, जो bigger players हैं, smart players हैं, उनके buying orders को हम catch करके we are displaying this data into auto tender homepage। अब ये कल का डेटा है और मैं आज का भी आपको डेटा दिखाऊंगा, कल का डेटा और आज का डेटा दोनों हम समझते हैं। कल आप देखेंगे तो अगर ये डेटा देख रहे हैं तो कल का डेटा में there was a maximum buying interest in 18,100 strike put, और कल अगर आपने देखा होगा कि 18,100 की पुट में देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी। कॉल्स की आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो मेन एट द मनी कॉल्स है, जो कॉल्स हैं उसकी हम सारे स्ट्राइक्स का डेटा निकालते हैं कि ओवरऑल कॉल्स में बाइंग इंटरेस्ट है कि सेलिंग इंटरेस्ट, और पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट है या सेलिंग इंटरेस्ट। अगर सपोज सारी स्ट्राइक्स की कॉल्स में सेलिंग इंटरेस्ट है, सो इट मींस हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करनी है कॉल ऑप्शंस बाइंग करने के लिए, क्योंकि सारी स्ट्राइक्स की अगर आप कॉल्स देखेंगे तो देयर इज अ सेलिंग इंटरेस्ट। जो बिगर हैंड्स हैं यानी कि से FIs और DIs और प्रोप्राइटरी, उन्होंने क्या कर रखा है, दे आर नॉट बाइंग द कॉल ऑप्शन, तो हमें फोकस कहां करना है, पुट ऑप्शंस पे। अब पुट ऑप्शंस में भी कौन सी स्ट्राइक पे फोकस करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें ये डेटा से फाइंड, सबसे पहले ये देखना है कि टोटल में फिगर क्या आ रही है। टोटल में इट इज अ बाय फिगर और सेल फिगर। अगर ये टोटल में बाय है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों स्ट्राइक्स में एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, इनमें सबसे ज्यादा बायर कहां पे है। तो हमें ये दिख रहा है कि 18,100 की पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है, तो हम फोकस क्या करेंगे, 18,100 की हम पुट ऑप्शन में फोकस करेंगे। तो इस तरीके से जो डेटा में सिग्नल्स बन रहे हैं इसके हिसाब से हम स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे। जैसे आज का डेटा मैं आपको दिखाता हूं, ये आज का डेटा है, और आज का डेटा देख के, क्योंकि भाई हमें तो वी आर ऑप्शन ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, हमें कुछ ना कुछ ट्रेड इंट्राडे में कंपलसरी कई बार हमें करना ही होता है, एंड वी डू ट्रेड, वी कम टू द मार्केट फॉर ट्रेडिंग, तो हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप आज का डेटा देखेंगे तो आज का डेटा देख के आपको विद इन सेकेंड्स ये समझ में आ गया होगा कि हमें कॉल लेना चाहिए था या पुट लेना चाहिए था। एनी आइडिया, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, हमें ना कॉल लेना चाहिए था ना पुट लेना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन डेटा इंडिकेटर सेज कि कॉल्स में भी बिगर हैंड्स का बाइंग नहीं है और पुट्स में भी बिगर हैंड्स का कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। देयर इज अ नो बाइंग इंटरेस्ट इन कॉल्स एंड पुट्स। सो दैट मींस अगर आप आज क्या हुआ, ऑल द कॉल्स एंड पुट्स लॉस्ट द वैल्यू।
सो इस डेटा को देख के इफ यू आर ऑप्शन सेलर तो आप ऑप्शन सेलिंग का भी बिजनेस कर सकते हो. यू कैन सेल. कई बार क्या होता है कि यू कैन डू अ लाइव बैलेंसिंग ऑफ अ पोजिशन. जैसे कि दिस डेटा इज अ वेरी लाइव डेटा और अगर से सेलिंग में पोजिशन ज्यादा बन रही है तो आप कॉल ऑप्शन बेचते रहो. अगर पुट साइड ज्यादा पोजिशन बन रही है तो आप उस हिसाब से यू कैन बैलेंस योर पोजिशन. बट दिस अ वेरी यूनिक डेटा एंड यू कैन लुक एट दिस डेटा एंड दिस इंडिकेट्स कि किस स्ट्राइक पे ऑप्शन बाइंग हो रही है. नाउ द क्वेश्चन इज देर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स हु डोंट हैव ऑटो ट्रेंडर एंड दे आर लुकिंग फॉर सम फ्री सॉफ्टवेयर्स और अ फ्री डेटा. तो अगर आप इफ यू हैव अ ऑटो ट्रेंडर देन दिस डेटा इज अवेलेबल इन द फ्रंट पेज ऑफ ऑटो ट्रेंडर. इफ यू डोंट हैव दैट दिस डेटा देन देर इज अ सम अदर सॉल्यूशन ऑल्सो विच इज अ फ्री सॉल्यूशन विच यू कैन यूज विथ योर सेल्फ. तो अभी एक तो हमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा है दैट इज फ्रीली अवेलेबल दैट यू कैन यूज एंड द सेकेंड इज आप यू स्किप दिस डेटा एंड देन मूव टू अ वॉल्यूम क्लस्टर्स डेटा. वॉल्यूम क्लस्टर डेटा क्या है ये भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से आपको लेना पड़ेगा बिकॉज इफ यू नीड टू मेक मनी यू नीड टू इन्वेस्ट सम मनी बिकॉज बिना इन्वेस्टमेंट के यू कैनॉट मेक मनी बिकॉज यू नीड टू हैव द आर्म्स. अगर हमें फाइट करना है तो हमें मशीन गन तो लेना ही पड़ेगा ना. अदरवाइज we need to have barood, we need to have the bullets, otherwise we cannot fight with a bigger hand. So that needs some investment. And aap koi bhi software, charting software, you need to have some charting software, some data software to analyze the data and to make money. Because without data, you cannot find the direction of a market. Go for any kind of data, any kind of reliable data where you feel that you are getting some accuracy. So there is a very important data that is called a volume clusters data. और ये किसी भी trading platform में भी आपको freely available होगा. जब आप charts में जाते हैं तो आपको volume profile देखना है. Volume का profile, volume clusters जिसे हम बोलते हैं, volume profile बोलते हैं. So अब हमें इससे ये find out करेंगे कि हमें entry कहाँ पे करनी है और stop loss कहाँ पे लगाना है. ये options का जैसे for example This is a major volume. ये देखें आप कि कहां पे volume हुआ है. अब ये data, this data is visible to FIs, this visible to George Soros, this data is visible to all the bigger hands. अब ये data देख के आप ये find out कर सकते हो कि options में जो open interest बना है आज, suppose आपने देखा कि option में 40 लाख share का open interest बन गया. जैसे आज के दिन में हमने देखा कि 1 करोड़ share का open interest बन गया. अब 1 करोड़ share का जो open interest बना है उसमें बायर है सेलर है. देयर इज अ बायर, देयर इज अ सेलर. अब इस डेटा को देख के आप ये फाइंड आउट करोगे कि जो 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट बना है उसका मेजर जो वॉल्यूम है यहाँ पे है. दिस लेवल इज अ मेजर वॉल्यूम, पॉइंट नंबर वन. और अगर मुझे हंटिंग करनी है तो अगर मैं से इस लेवल को ब्रेक कर दूं, ये दिस इज अ लेवल जो जिसको मैं झटके से अगर ब्रेक करूं तो ये सारे के सारे जो बायर है दे विल हिट द स्टॉप लॉस and I will get a lot of quantity here. ठीक है, तो what bigger hands will do, उनके पास Reliance भी है, उनके पास HDFC भी है, उनके पास Kotak भी है, ICICI भी है, तो they will create a basket. हम एक basket बनाएंगे और मैं 10-10 करोड़ की 5 basket बेचूंगा. 5 basket जैसे मैंने बेची क्या हुआ, Nifty 40-50 पॉइंट नीचे आ जाएगी और 40-50 पॉइंट नीचे आएगी तो जो कॉल ऑप्शन है वो सारे के सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे. And then I will buy back my basket. मैं अपनी basket वापस खरीद लूंगा and I will get all the call options at a very low price. से मुझे 10 लाख quantity लेनी है तो जो 20 लाख quantity में stop loss hunt हुआ उसमें से 10 लाख quantity मुझे मिल जाएगी. And then I will buy back my basket. जो मैंने ऊपर basket बेची तो मुझे basket में भी profit आ गया. और दूसरा मुझे options जो है वो काफी सस्ते price पे मिल गई. And then I will buy back my basket at a higher price. Then the options will rally. So, अब मुझे एंट्री कब करनी है. अब आपको एंट्री करनी है कि आपको डेटा अंडरस्टैंड करना है कि ओवरऑल मार्केट का डेटा क्या है. अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव साइड है तो मुझे कॉल ऑप्शन में ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है, मुझे डिप पे एंट्री लेनी है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैव अ पोजिशन. अब आप क्या कर सकते हो, आप एंट्री इस लेवल पे करें, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रखें. यानी कि जहां पे वॉल्यूम प्रोफाइल आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम्स है, आपको एंट्री, यू शुड नॉट इंटर अराउंड दीज लेवल्स,
क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, सो इट इज अ वेरी रिस्की, दिस इज अ रिस्की जोन, दिस इज अ रिस्की एंट्री जोन, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री करोगे योर स्टॉप लॉस विल बी हिट बाय दिस लेवल. बट इफ यू एंटर अराउंड दीज लेवल्स, इफ यू अगर से आप इस लेवल पे एंट्री करते हैं और से 50% क्वांटिटी आपने यहां पे ले ली, कई बार क्या होगा कि यू विल नॉट गेट द ट्रेड. मे बी पॉसिबल है कि हमें हमारी बाइंग प्राइस पे कई बार ट्रेड नहीं मिलेगा, बट 20 ट्रेडिंग सेशन में से आप ये मान के चलो कि 15 ट्रेडिंग सेशन 70% ऑफ द टाइम यू विल गेट अराउंड दिस लेवल्स, बिकॉज FIs और बिगर हैंड्स दे नेवर बाइज एट अ हायर प्राइस. अगर वो हायर प्राइस पे लेंगे तो उनको मार्जिन ही नहीं बैठेगा ना, दे विल नॉट मेक अ बिग मनी. Or if they have to buy 10 lakh quantity, they will not buy at a higher price. They will always buy at a lower price so that they can make good amount of profits. So इस level पे this is the right entry level. और इसके नीचे आए तो आप entry करो. और stop loss should be below these levels. तो इससे क्या होगा? Stop loss hunting उनको करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर they will do a stop loss hunting, they will have to lose a big amount of capital. Unka mark to market bahut bada aayega. So entry is very, very important. We need to enter around volume clusters. Ab jaise ye main aap ye example main live examples leke aaya hu, aur ye volume clusters ka example hai, and this is a example of 18,100 put options. Ye aaj ka put options ka example hai, 18,100 ka put option. अब मार्केट का जो फ्यूचर्स था आज कहाँ पे था, 18,100 के आसपास का फ्यूचर्स में बार बार रेसिस्टेंस आ रहा था, एंड देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग इन 18,100 कॉल ऑप्शंस. हम लोग सारे लोग देख रहे थे कि 18,100 की कॉल ऑप्शंस पे 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया. सो वी ऑल वेयर थिंकिंग की एक्सपायरी 18,100 के नीचे होगी. एंड 11:30 से 12 बजे के आसपास क्या हुआ, जो PCR है दैट स्टार्टेड टर्निंग नेगेटिव, स्लोप उसका नीचे आने लगा, एंड द डेटा स्टार्टेड गेटिंग वीक. सो देयर वाज सो देन व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी ये थी कि क्या तो आप 18,100 की पुट ऑप्शन खरीद के ट्रेड करो, या फिर आप 18,050 की पुट ऑप्शन ले लो. क्योंकि 18,000 का जो पुट ऑप्शन था उस पर भी हम देख रहे थे कि देर वॉज अ वेरी हाई ओपन इंटरेस्ट एडिशन इन पुट्स, सो देर वॉज अ राइटिंग इन द पुट, देर वॉज राइटिंग इन द कॉल ऑल्सो. तो उससे ये समझ में आ रही थी कि एक्सपायरी 18,100 से नीचे और 18,000 से ऊपर होगी. सो इट वाज अ रेंज बाउंड एक्सपायरी. दूसरा जो ऑप्शन का डेटा इंडिकेटर है उसमें भी यही इंडिकेशन मिल रहा था कि ऑप्शन सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं एंड दे आर लेस इंटरेस्टेड इन बाइंग. सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ साइडवेज इंडिकेशन टुडे. तो अब क्या है कि इसमें भी हमें प्रॉफिट बनाना है, हमें कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेना है. सो ये जो क्लस्टर्स है, ये देखिए दिस क्लस्टर. अब आज मार्केट में देयर वाज वन टू अपॉर्चुनिटी जिसमें हम ऑप्शन 12 बजे के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस का जो प्राइस था दैट केम अराउंड 56-57 लेवल्स के आसपास. यहां से एक बार प्राइस आया एंड देन इट गेव अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी, और ये 32-33 के आसपास ये इट वाज अ लो प्राइस. सो अगर आपको किसी कारण से इस रेंज में मिलता या इस रेंज में मिलता, सो दैट वाज अ राइट बाइंग लेवल. सो एटलीस्ट आपको एक बाउंस या एक अपॉर्चुनिटी उसमें 20-25 पॉइंट का मिल गया होता, बिकॉज आज तो साइडवेज थी, बट अगर कभी ट्रेंडिंग होगी सो इन दैट केस यू गेट अ बिग मूव. बट द प्रॉब्लम इज अगर से इफ यू इंटर अराउंड दीज लेवल्स, सो व्हाट डू यू थिंक, FIs विल बाय ऑप्शंस एट अ प्राइस ऑफ 112 रुपीज, दे विल नेवर बाय. 112 रुपए का प्रीमियम एट द मनी कॉल या पुट में FIs विल नॉट टेक सो मच ऑफ रिस्क, बिकॉज वट इज प्रीमियम, प्रीमियम इज अ टाइम वैल्यू डिके. तो 112-120 रुपए का प्रीमियम FIs विल नॉट पे, बट हु आर पेइंग, रिटेलर्स, दे बाय एट 112, दे बाय एट 100 रुपीज, दे बाय एट 80 रुपीज. सो हमें कभी भी ऑप्शन बाय करना चाहिए नियर द वॉल्यूम प्रोफाइल, जहां पे वॉल्यूम प्रोफाइल का क्लस्टर्स है, दीज आर द राइट बाइंग लेवल्स. कई बार आपको ट्रेड मिल सकता है, कई बार आपको ट्रेड नहीं भी मिल सकता है, बट दैट एक्यूरेसी एंड हिट रेशियो विल बी बेटर. स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, ये जैसे 32 लो है, तो इससे नीचे अराउंड यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस अराउंड 25 रुपीज. अब कई बार क्या होगा कि प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड से 70 रुपीज, अब ये लेवल यहाँ पे आ रहा है,
अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस इज क्वाइट फार, ₹25 स्टॉप लॉस है. सो इन दैट केस द एंट्री इज नॉट वाइबल. तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट वेट फॉर द राइट एंट्री लेवल की अगर ये 50 के आसपास मिलेगा देन वी विल इंटर, और नहीं मिलेगा देन वी विल नॉट इंटर, वी विल स्किप द ट्रेड. सो अगेन रिस्क टू रिवार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप 70 पे एंट्री कर रहे हो, योर रिवार्ड कैन बी ओनली 100, क्योंकि इंट्राडे में पॉसिबल है कि हो सकता है बड़ा मूव आपको मिले ना मिले. सो नॉर्मली वी बुक एज अ रिटेल, वी बुक 25-30 पॉइंट का हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. सो रिवार्ड इज 30 पॉइंट एंड रिस्क इज से 40 पॉइंट प्लस. सो अगर आपके वॉल्यूम क्लस्टर से प्राइस बहुत ज्यादा दूर है और स्टॉप लॉस आपका फार अवे हो रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो हमें ये देखना होगा कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेरा मैच कर रहा है कि नहीं, वी शुड इंटर और नॉट इंटर. सो क्लियर हाउ टू फाइंड अ स्टॉप लॉस एंड राइट एंट्री लेवल. एंड दिस वॉल्यूम क्लस्टर डेटा इज अवेलेबल इन सम ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू कैन एक्सप्लोर इट. जो मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम रॉयटर्स. दिस इज अवेलेबल इन ब्लूमबर्ग एंड रॉयटर्स. वी एट रिसर्च डेस्क वी यूज रॉयटर्स एंड ब्लूमबर्ग, बट दे आर वेरी कॉस्टली सॉफ्टवेयर. दे चार्ज मोर देन 1 लाख, 1.5 लाख रुपीज पर मंथ. सो फॉर अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, आप यू कैन एक्सप्लोर इट. दिस डेटा कैन बी अवेलेबल ऑन अ चार्टिंग प्लेटफॉर्म, और कई जगह ये अवेलेबल, दिस डेटा इज अवेलेबल. नाउ ऑप्शन चेन डेटा में हम लोग आते हैं. ये हम लोगों ने कई बार समझा है, आई हैव टेकन मेनी वेबिनार्स. यू मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि ऑप्शन चेन डेटा को हमें कैसे देखना है. बट आज मैं केवल ऑप्शन स्लोप का डेटा को डिस्कस करूंगा. आई विल नॉट डिस्कस द ऑप्शन चेन डेटा बिकॉज दैट विल अगेन टेक अ नेक्स्ट 30 मिनट्स. सो आई एम, सो द फोकस वुड बी ऑन द स्लोप ऑफ दिस डेटा. दिस स्लोप ऑफ द डेटा, ये ऑप्शन चेन डेटा की स्लोप है. लाइक ये कल का डेटा है. कल क्या हुआ था, लास्ट के से आधे घंटे में देयर वाज अ बाउंस इनटू द मार्केट, बट अल्टीमेटली मार्केट वॉज फॉलिंग एंड देयर वॉज अ बाउंस इन टू द लास्ट 30-31 आवर ऑफ द मार्केट. सो वाई आप ये देख रहे हो कि एवरी टाइम मार्केट इज बाउंसिंग फ्रॉम अ लो. द रीजन इज एफ आईज आर ऑन द लॉन्ग साइड. हमने ये देखा है ना, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में एफ आईज आर ऑन द लॉन्ग साइड. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ बाय ऑन डिप मार्केट. दिस इज नॉट अ सेल ऑन राइज मार्केट. जब एफ आई शॉर्ट साइड में होंगे तो हमारा क्या होगा, सेल ऑन राइज मार्केट. बट अभी क्या हो रहा है कि इट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट. एवरी डिप इज बॉट. जैसे आज का डिप बॉट, कल का डिप बॉट, फर्स्ट हाफ डिप, सेकंड हाफ बाउंस, फर्स्ट हाफ डिप, सेकंड हाफ बाउंस. व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज एफ आईज आर ऑन द लॉन्ग साइड, डी आईज आर ऑन द शॉर्ट साइड, प्रोप्राइटरीज आर ऑन द शॉर्ट साइड. सो ये जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट है ना, इसमें एफ आई जो स्ट्रॉन्गर हैंड है वो तो बाय साइड है, बट DIs they are also putting pressure, क्योंकि उनके पास भी they have lot of holding. Proprietaries they are also very stronger hands, they are also trying to put pressure. So that's why we are seeing a strong fight happening into the live market, and that's why market first half down, second half up, first half down, second half up. This is the reason. So slope हमें PCR का slope हमें always we should look at the slope कि खुलने के बाद से market का PCR से पॉजिटिव खुला एंड देन इट इज स्लोपिंग डाउन. स्लोपिंग डाउन का मतलब हो गया कि जो स्ट्रेंथ है दैट इज वीकनिंग. तो अगर स्लोप डाउन हो रहा है, इन दैट केस वी शुड अवॉइड बाइंग ऑफ कॉल ऑप्शंस. और हम उसे कंफर्म कर सकते हैं दो तीन डेटा जो अभी हमने समझा, कि डेटा इंडिकेटर जो बाइंग इंटरेस्ट और सेलिंग इंटरेस्ट, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट, और लाइव में वॉल्यूम का डेटा, और चौथा पीसीआर का डेटा. इन चारों को अगर कंबाइन कर दो तो, और फिर आपके पास चार्ट्स है, यू हैव अ प्राइस एक्शन फॉर द कंफर्मेशन. अगर आप इन डेटा को प्राइस एक्शन से इफ यू कंबाइन इट, देन आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है. सो जस्ट टू कंक्लूड कि क्या क्या टॉप ट्रेडिंग मिस्टेक्स हम लोग करते हैं एंड हाउ वी कैन इंप्रूव इट. सो फर्स्ट इज एज अ रिटेल वी डोंट हैव अ ट्रेडिंग प्लान. कि हमें बिकॉज वी डोंट लुक एट दिस डेटा. अगर आपने ये डेटा स्टडी कर लिया देन यू विल हैव अ ट्रेडिंग प्लान. सपोज आज आप पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट स्टडी करते हो और उसका कल से आप कंपेयर करते हो एंड यू फाइंड इट दैट आज का जो ओपन इंटरेस्ट 15% है दैट हैज बीन एडेड ऑन द लॉन्ग साइड बाय द एफआईज. सो यू विल हैव अ ट्रेडिंग प्लान टुमारो कि नहीं मुझे बाय ऑन डिप करना है एंड यू विल टारगेट अ कॉल बेस्ड ऑन द पीसीआर डेटा. सो दिस इज अ ट्रेडिंग प्लान. स्टडी ऑफ अ डेटा गिव्स यू अ प्लान. व्हेन यू स्टडी यू गेट अ प्लान
and you execute it as per the plan. So as a retailers, we don't have a plan, but bigger hands, they have a plan. They have a plan of hunting. They have a plan of buying at a rate. Bigger hands को अगर say 10 लाख quantity खरीदनी है, तो they have a plan कि मुझे इस rate पे खरीदना है and I have to hunt it like this. We always ignore the risk. We do a over leveraging. हमारे पास 20,000 का capital है and we deploy all 20,000 in one lot. We buy at a very high price. So we ignore the risk, but they don't ignore the risk. They first, the bigger hands, well, first they calculate the risk and then they execute the trade. What we do is, as a retail, we first execute the trade, then think of the risk. Ki kahan phas gaye. But the bigger hands, what they do is, they first calculate the risk, then they execute the trade. So this is the difference. So we need to focus on the risk. Not using the stop loss. Many times we make the options zero. Kai baar humne trade liya aur hum samajh mein aa gaya ki nahi, this is not going to give us money. And we ignore that 15-20 rupees also. We can save that 15-20 rupees, but still we ignore it and we don't take the stop loss. So options mein stop loss is very important. Averaging down is never recommended in the options. Lack of specialization, yani ki we don't focus on the data, we trade many and many multiple stocks, so we should focus on limited stocks. Improper timing ka matlab ho gaya ki jo bhi maine volume profile aapko dikhaya, volume clusters dikhaya, usme you enter at a price which is away from a volume cluster level, yani aap aise level pe entry karte ho which is quite away from the, this is a very wrong entry. Yani hame entry wahan pe karni hai jahan pe volume cluster hai. Like say if we enter around these levels, we enter around these levels, this is an improper timing, improper price entry level. So we should have a patience. Hum as a shikari aayega, jaal bichhayega, phasna nahi. So shikari, what shikari does, wo jaal bichha ke he keep on waiting ki log aake phasenge aur ek ek kabutar usme phaste chale jate hain, then at last he captures everything. So as a shikari, we need to put a jal around these levels. Hame is levels ke aaspaas apna jal bichha ke rakhna hai. And then agar us level pe price aata, then we should enter. Aisa nahi hai ki just jump and enter into a trade. Because options mein agar if you trade by jumping, then your life into option would be not more than 3 months. More than 90% of the option trader has a life cycle of only 3 months. They wipe out the capital and they leave the market in 3 months. So improper timing, trading options without knowledge or research. Options agar trade karna hai, you need to make some, you need to study, data study, tabhi you can make, aap tabhi options mein profit bana sakte ho. Otherwise the game is very tough. The game is between a very strong hands and a very weak hands. So we need to have a knowledge to beat the stronger hands. And again, the very common mistake, out of money options hame avoid karna chahiye. We should always stick with the at the money or in the money options. Event calendar is also very important. Result season abhi chal raha hai. So normally kya hota hai ki before results, the bigger hands buys, or after results, they sell. Same happened in the L&T, same happened in SDFC Limited. Maruti mein aisa nahi hua. Maruti was a strong move. But Maruti mein the buildup came after the results. But normally kisi bhi stock mein agar aapko aisa dikhta hai ki result aane ke pahle stock 4-5% already move kar chuka hai on the upside, then don't buy the call option on the day of results. Because agar wo 4-5% move ho gaya, iska matlab insiders must be knowing something, aur wo pre move ho gayi aur results aayega aur the stock will fall. And this happens with the many stocks because options ka pricing jyada hoga and they will book the profit, they will sell the call options and the retailers will get trapped into. So yahan pe important ye hai ki agar kisi bhi stock ka result aane wala hai, then you start analyzing the data. 4-5 din aap pehle se dekho aur uska kya data dekhoge, aap delivery ka data dekhoge, volume ka data dekhoge, aur usme agar built up dikh raha hai, delivery mein buying ho rahi hai and there is a price breakout, then ride the stock till the results is announced. Ek din pehle aap usse nikal jao so that you are not trapped into the volatility. So event calendar is very important.
इट कुड बी फेड इवेंट, इट कुड बी आरबीआई पॉलिसी, इट कुड बी एनी पॉलिसी अनाउंसमेंट, और ये दिस इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द वेबसाइट. आप मनी कंट्रोल पे ये अवेलेबल है, प्लस और भी जगह दिस इज फ्रीली अवेलेबल. सो जो फ्री सोर्सेज है वहां से आप ये डेटा ले सकते हैं. सो जस्ट टू सम अप कि जो डेटा अभी जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसमें द पॉइंट नंबर वन पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये एनएससी की वेबसाइट से आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं. फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस डेटा, ये एनएससी के डेटा में भी अवेलेबल है बट एनएससी की वेबसाइट में रॉ डेटा है. प्लस देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन टू द मार्केट, ऑटो टेंडर इज वन ऑफ देम. Either you can go for the auto tender or you can explore the various softwares available into the market. Futures open interest data. Future open interest data, this iske liye aapko softwares lene padenge and this data is also available on the NSE. Kitna open interest badh raha hai, change in open interest. This is freely available. Buying selling interest data, this is only available in auto tender, not available in Bloomberg, not available in Reuters, not available in any of the software. So this is a USP of SMC. If you want this data, you need to go for auto tender. Stop loss hunting volume clusters data, this is again a free data available. You can explore this data is available in most of the trading platforms. Jahan pe charting hoga wahan pe aap volume plot kar sakte ho, volume profile, and you get this data. So this is again a free source. And option chain ka jo data hai, this is also available with a NSE website, but again on a raw form. Plus kai sare websites pe available hai option chain data freely available. You can just explore it and you can find out. But data ka jo slope hai, this is again a USP of auto trader. Slope ka jo data hai, that is available in SMC auto trader. So these are the points that we covered. And now I would like to end the presentation. Thank you very much. I'm late by 20 minutes. Thank you for bearing me. Hope the session was useful. You must have got some new ideas, new tricks, new techniques, a new way of analyzing the data. Thank you very much. Aur mujhe bahut acha laga. Aap log ka trust hai. And I tried my best to give my best. And again, in upcoming webinars also, I will try my best to give my best. So hope you all enjoyed the time. Kyunki 3,000-4,000 logon ka time is very important and we justified the time. Thank you very much for joining. See you in the next webinar. See you in the live market. See you in the fight with all arms and ammunitions. Thank you.